बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर से दुआओं के बाद आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ। वो है पालक गोश्त की सब्जी, बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार सी हम तैयार कर रहे हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और इसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लें। बताइए से भरपूर टेस्टी और मजेदार सी पालक गोश्त की सब्जी आज हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए। इस सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो को वॉच करने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का और मेरे चैनल पे खूबसूरत अच्छे अच्छे कमेंट्स देने का। आप सबका बहुत शुक्रिया, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरे चैनल को फॉलो करते रहे। इजी कुकिंग डायरेक्टरी चैनल है मेरा, जिस पर अच्छी और खूबसूरत जबरदस्त सी रेसिपी होती है, सस्ती भी, आसान भी और ईजी भी। तो चलिए व्यूअर्स, अब अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। पालक गोश्त की सब्जी तैयार हो रही है, टेस्टी और लाजवाब सी, इसको हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लहसुन कुकर ले लिया है, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 kg का गोश्त। तो आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त बेहतरीन सा, तो इसमें हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज अनियन, इसको हम अच्छे से रफली चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त सा पालक गोश्त। तो हमने 2 अनियन को अच्छे से रफली चॉप करके इसमें शामिल करना है। अब इस तरह हम इसमें डालेंगे व्यूअर्स ड्राई स्पाइसेस, 1 tablespoon हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, ये टीस्पून है, तो 2 डालेंगे तो ये 1 tablespoon बन जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon ही रेड चिली डालेंगे व्यूअर्स, ये टीस्पून है, तो ये 2 डालेंगे तो ये 1 tablespoon होगा। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 teaspoon, थोड़ा सॉल्ट, इसमें सबा जीरा डालेंगे 1 tablespoon भर के डाल देंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे बस 1/2 teaspoon, हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देना है। ये भी साबुत गर्म मसाला है, जिसमें ब्लैक पेपर और काला जीरा और ये थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे बस अब इसमें इतना पानी शामिल करूंगी जिसमें गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। तकरीबन 1.5 glass हम पानी का इसमें शामिल कर देंगे। ये भी उसमें 1.5 glass के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया और साथ इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये भी 2 टमाटर है फ्रीज किए थे, ये हम इसी तरह डाल देंगे इसमें। साथ ही इसमें हम तकरीबन 1.5 inch टुकड़ा अदरक का डालेंगे, ये हमने इसमें डाल देना है। इससे डालने से भी बस गोश्त की जो बादी होती है वो सब खत्म हो जाती है। अब मैं इसको कुकर को बंद कर दूंगी 35 minutes का वेट देने के लिए और फिर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे हम इसको कैसे तैयार करेंगे। अब हमने इसके ऊपर विसल रख देना है और विसल के बजने के बाद से टाइम आउट करेंगे और फिर आपको गोश्त की पोजीशन चल रहेंगे। चलिए भी इसको फ्लेम पर रखते हैं। इससे पहले मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही विसल बजेगा उसके बाद से हम 30 minutes का टाइम लगाएंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे गोश्त की क्या पोजीशन है। पानी का खुश्क हो चुका है, इसको मैं खुले बर्तन में शामिल कर लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से चेक करा सकूँ। व्यवस्था पे मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई को रख दिया फ्लेम पे, फ्लेम को कर लेंगे ऑन। बिस्मिल्लाह पे डाल देंगे गोश्त को व्यवस्था कढ़ाई में ताकि हम आपको अच्छे से दिखा सके। थोड़ा सा पानी इसमें, वो भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसकी मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर लूंगी और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। इस
पड़ रही है, उसमें लहसुन थोड़ा डालूंगी क्योंकि मैंने लहसुन को नहीं डाला था। अगर आप फ्रेश लहसुन डालना चाहते हैं तो वो डालें, नहीं तो लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। लहसुन पाउडर है उसमें मैं थोड़ी देर 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर शामिल कर दूंगी। बाकी सारे ड्राई स्पाइसेस में शामिल हो चुके हैं अच्छे से। इस पाउडर में मैं 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल डाल दूंगी। बड़े खाने के चम्मच हमने इसमें ऑयल शामिल किया और उसके बाद से गोश्त की भुनाई करेंगे। उसके पालक की 2 कड़ियां पूरी कट के काट के रखी थी मैंने, तो हम इसमें डाल देंगे सारा सारा। इसको मैंने अच्छे से काट के धो लिया था मैंने, और सारा हम इसमें अच्छे से शामिल कर देंगे। मसाले के साथ हमने पालक की अच्छे से भुनाई कर ली है। छोला मशरूम बेहतरीन से स्टेप पे तैयार हो चुकी है। सब्जी चलिए फिर स्टेप पे फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद और उसको अच्छे से हम डिश आउट करते हैं। आपको सर्व करने के लिए बेहतरीन जबरदस्त सब्जी पालक गोश्त तैयार हो चुका है। व्यवस्था में पालक गोश्त बेहतरीन से तैयार हो चुका है, इसको मैं अच्छे से प्लेट में शिफ्ट करूंगी आपको सर्व करने के लिए जबरदस्त सा। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाते हैं। इस समय बस मैंने खूबसूरत सी प्लेट ले ली है, इसमें हम इसको सर्व करेंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पालक गोश्त बेहतरीन सा हमारा सिस्टम पे तैयार है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त चीज की लुक आ रही है सिस्टम पे, ये देखने में इतना मजे लग रहा है बस खाने में उससे कहीं बढ़कर आई है। जी बस खाएं मजे लें टेस्ट करें, कमेंट बॉक्स में लाजिम ट्राई करें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, टेस्टी और लाजवाब बेहतरीन सी आज पालक गोश्त की सब्जी मैंने आपके साथ शेयर की। इसी साथ आपसे इजाजत दूंगी, ढेर सारी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।